दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि सर्दियों में लगाए हुए बैगन पर हम गर्मियों में कैसे बैगन आनाए। दोस्तों, आज इस वीडियो में यही बताने वाले हैं, क्योंकि बैगन का पौधा सर्दियों में लगाते हैं और गर्मियों में इस प्रकार से होने लगता है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जी, आप जो पौधा देख रहे हो ये सर्दियों में लगाया हुआ था और अभी गर्मी का सीजन चल रहा है और गर्मी में इस प्रकार से बैगन का पौधा हो जाता है और हम सोचने लगते हैं कि अब ये पौधा फल नहीं देने वाला। तो दोस्तों, इस पौधे को हम काट देते हैं और इसकी जगह दूसरा पौधा लगा देते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आप सर्दियों के बैगन कर गर्मियों में फल बना सकते हो। दोस्तों, आपको वो तरीका अपनाना है और आपको अपने पौधे पर वापस फल पाना है। दोस्तों, आप देख सकते हो ये पौधा फूल भी नहीं देने वाला और फल भी नहीं देने वाला। हमारे पास काफ़ी सारे पौधे हैं दोस्तों, ये देख सकते हो। इस क्यारी में इस सर्दी के बैगन हैं और इन पर हमने एक ऐसा तरीका अपनाया है जिससे ये वापस इस तरह से हरे भरे और अच्छी तरह से फूल आने लगे हैं। आप देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं शायद वो आपको काम आए। और तो दोस्तों, कौन सा तरीका है जो हमने इन बैगनों पर अपनाया है? दोस्तों, ये जो भी देख रहे हो ये गर्मी की बैगन नहीं है, ये सर्दी में लगाए हुए बैगन थे और इनमें जो हमने तरीका अपनाया है वो आपको बताने वाले हैं। देखो दोस्तों, पहले मैं आपको बैगन बता देता हूँ। इस तरह से बैगन आने लगेंगे, ये आप देख सकते हो। इस तरह के बैगन वापस आने लगेंगे आपके सर्दियों के बैगन पर। दोस्तों, ऐसे तो बीज गर्मियों का भी आता है, लेकिन हमने जो सर्दियों के बैगन थे उन्हीं पर हमने वापस इस तरह का नुस्खा अपनाकर बैगन पा सकते हैं। तो दोस्तों, चलो मैं आपको बता देता हूँ और ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, हमने ऐसा क्या किया है? दोस्तों, आप देख सकते हो ये पौधा है जो हमने इसके 5 से 10 दिन पहले, बल्कि थोड़े दिन पहले हमने इस पर कटिंग कर दी थी। आप देख सकते हो यहाँ से हमने कटिंग कर दी और ये अब रूट निकालना चालू कर दिया है। देखो आप, यहाँ पर एक इसके फूल भी आने लगा है। तो इस तरह से दोस्तों, आप अपने बैगन पर कटिंग करके बैगन पा सकते हो। दोस्तों, आप जो एक पौधा देख रहे हो ये इधर, ये एक पौधा था तो हमने इसके काफ़ी पहले हमने इसकी कटिंग कर दी थी। चलो मैं आपको बता देता हूँ। और ये देखो कितनी अच्छी तरह से अपने रूट निकालना चालू कर दिया है और बैगन भी आने लगे हैं। दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये गर्मियों का बैगन लगाया हुआ है, लेकिन हमने ये सर्दी का बैगन था इस पर थोड़ी कटिंग कर दी और इस तरह से इसने रूट निकालना चालू कर दिया। तो दोस्तों, आप भी अपनी सर्दियों के बैगन पर कटिंग करके वापस बैगन पा सकते हो। शायद दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और ये इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों, पेड़ पौधे से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, यानी कि सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो पसंद आने पर लाइक कर सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने बैगन के पौधे पर कटिंग कहाँ से करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये यहाँ से इसने नया रूट निकालना चालू कर दिया है और यहाँ भी देख सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि जहाँ से रूट निकालना चालू इसने किया है वहाँ से उसके थोड़े ऊपर से आप काट देना है। इससे काटने से दोस्तों जो भी ये इसका जोर है वो सारा इन पर आ जाएगा और अच्छे से ग्रो होने लगेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये जो बैगन है काफ़ी अच्छे कलर से हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। वही बैगन आपको खाने को मिलेंगे जो आपने सर्दियों में लगाया था। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने बैगन के पौधे पर अच्छे से फल पा सकते हो। और दोस्तों, इससे क्या है कि हमारा टाइम भी बचता है। और अगर दोस्तों इनकी जगह हम गर्मियों के बैगन लगाते हैं तो दोस्तों उनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और उन पर बैगन भी नहीं मिलते हमें। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये कटिंग करने के बाद इन पर अच्छी तरह से फूल आने लगे हैं और यही नुस्खा आप अपने घर पर अपने पौधों पर अपना सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी भाई लोगों को ये नुस्खा भी पता होगा और काफ़ी भाई लोगों को पता नहीं होगा, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, शायद आपको अच्छा लगा होगा। तो हम वीडियो को करते हैं यहाँ पर ही ख़त्म, क्योंकि अब आपको ऐसे ही हमारे चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।